Good morning, student. Welcome to City Online Classes. In GST subject, today we will discuss our Unit 1, Lecture 1, that is Introduction of GST. इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा जीएसटी है वो किस टाइप का टैक्स है. इट इज अ बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स. तो टैक्सेस अगर हम देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जिसका जो हमारा अल्टीमेट इफेक्ट है उसका उसी पर्सन पे पड़ता है जिस पर वो टैक्सेस लगाए गए हैं. और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जिसका इफेक्ट उस पर्सन पे नहीं पड़ रहा होता है जो उसे पे कर रहा होता है, बल्कि उस फाइनल कंज्यूमर पे पड़ता है जिस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जस्ट लाइक जीएसटी. जैसे अगर जीएसटी के रेट्स बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसकी वजह से जो भी हमारा टैक्सेस बढ़ रहा है या घट रहा है उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर है, हमारे कंज्यूमर के ऊपर. और सारा बर्डन किसे बियर करना पड़ता है, उसको ही बियर करना पड़ता है. इसलिए हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में फाइनल और अल्टीमेट जो हमारा बर्डन आता है वो किस पर आता है, कंज्यूमर पे आता है. तो अब स्टार्ट करते हैं जीएसटी के इंट्रोडक्शन पार्ट को. यहाँ पे देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म. इट मीन्स कि यहाँ पे कहा गया है कि ये जो हमारा जीएसटी एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स रिफॉर्म है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फील्ड ऑफ टैक्स. इट इज अ पाथ वे टू इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच विल क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट बाय रिमूविंग इंटर स्टेट बैरियर्स. जीएसटी हैज सम एब्सॉर्ब्ड और इंक्लूड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोर्ट बाय सेंट्रल एंड स्टेट. इट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि जीएसटी के आने के बाद से ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, भले ही वो जिन्हें इम्पोज करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास. इट मीन्स सेंट्रल टैक्स और स्टेट के बहुत सारे टैक्सेस हैं जो जीएसटी के आने के बाद जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं. अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें इम्पोज करती थी और अब वो फाइनली किसमें इम्पोज हो चुके हैं, जीएसटी में. इसमें सबसे पहला है हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स. एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है तो उस समय उसको जो ड्यूटी पे करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड अ एक्साइज ड्यूटी. यानी मैन्युफैक्चरिंग पर जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है, वो हम कहते हैं उसे एक्साइज ड्यूटी. उसके अलावा हमारा सर्विस टैक्स क्या है, जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर को किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स. नेक्स्ट है इसी कैटेगरी में सेंट्रल सेल्स टैक्स. सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है, जब दो स्टेट के बीच में सेल्स होती है तो उस समय जो टैक्सेस लगाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स. फॉर एग्जांपल, अगर यूपी और महाराष्ट्र के बारे में बात करें या यूपी और कर्नाटका या मध्य प्रदेश के बीच में किसी भी तरह का सेल्स होता है था तो उस पर जो टैक्स इम्पोज करा जाता था उसको हम क्या कहते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स. अब बात करते हैं हम यहाँ पर स्टेट टैक्सेस, यानी स्टेट के ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जिन्हें हमेशा स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, जिसमें इम्पोज करने का उनके लेवी एंड कलेक्शन का राइट किसके पास था, स्टेट गवर्नमेंट के पास था, पर अब वो किस में मर्ज हो चुके हैं, जीएसटी में. इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्टेट वैट. स्टेट वैट क्या है, जब विद इन अ स्टेट सेल करी जाती थी तो उस पर जो टैक्स लगता था दैट इज कॉल्ड स्टेट वैट. इट मीन्स कि अगर हम यूपी के अंदर सेल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर लखनऊ और कानपुर के बीच में किसी तरह की सेल हो रही है तो उस पे जो टैक्स लगता था दैट इज कॉल्ड स्टेट वैट. उसके बाद आगे इसी में हम बात करते हैं ऐसे और भी जो टैक्सेस हैं जो जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड परचेज टैक्स. नेक्स्ट उसके आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन फ्रांस इन द ईयर 1954. इट मीन्स जीएसटी वर्ड को सबसे पहले इन द ईयर 1954 में फ्रांस में यूज करा गया. उसके बाद विद इन 62 ईयर्स के अंदर अंदर लगभग 160 कंट्रीज, यानी इट मीन्स 160 कंट्रीज ने उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको अडॉप्ट कर लिया. जनरली और जो हमारी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उसमें जो हमारे जीएसटी वो सिंगल मॉडल पे बेस्ड है, पर कनाडा एंड ब्राजील जो है ऐसी दो कंट्रीज हैं जिनमें ये किस पे बेस्ड था, ड्यूअल मॉडल बेस्ड था. और हमारा जो कंट्री है इंडिया, इंडिया ने भी इसी ड्यूअल जीएसटी बेस्ड मॉडल को अडॉप्ट करा है. अगर हम बात करें ड्यूअल जीएसटी बेस्ड का क्या मतलब है, ड्यूअल जीएसटी बेस्ड मॉडल का ये मतलब है कि जो भी हमारे जीएसटी के टैक्सेस हैं उनके लेवी एंड कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी होगी वो हमने सेंट्रल और स्टेट दोनों को एक साथ दी. यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये राइट्स हैं
कि वो अपने अकॉर्डिंग उन रेट्स को चार्ज कर सकते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें अब बात करते हैं जीनियस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इन 2004 सबसे पहले ऐसी कौन सी कमिटी थी जिसने इसका रिकमेंडेशन दिया था जीएसटी के बारे में? तो वो कमिटी थी हमारी केलकर टास्क फोर्स, यानी केलकर टास्क फोर्स ने सबसे पहले जीएसटी के बारे में रिकमेंडेशन दिया था, या उन्होंने आइडिया दिया था कि जीएसटी को एक एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद इन 2007 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम वाइल प्रेजेंटिंग द सेंट्रल बजट अनाउंस द जीएसटी विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। उसके बाद 2007 में एक जो बजट पेश किया गया था किसके थ्रू, जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उस साल के श्री पी चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा था कि जो हमारा जीएसटी है उसे हमें इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट उसके बाद 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बिल में चेंजेस करते हुए 122 अमेंडमेंट बिल को पास कराते हुए जीएसटी को लाने के स्टार्ट। उसके बाद इन 2016 में जीएसटी को प्रेसिडेंशियल एसेट मिला, इट मींस कि दोनों सदनों से वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ और उसके बाद उस पर प्रेसिडेंशियल एसेट मिला। किस डेट को? 8 सितंबर 2016 को, जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करा गया, इसको 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, और इसकी वजह से जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी की थी। उस नेक्स्ट इन 2017 इस जीएसटी से ही रिलेटेड कुछ और उसके बिल्स थे, जस्ट लाइक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017। ये सारे बिल भी एक साथ लोकसभा से पास किए गए, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से, और उसके बाद उन पर भी प्रेसिडेंशियल एसेंट दी गई। तो फाइनली उसके बाद जुलाई 2017 में हमने जीएसटी को ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट कर दिया। ये था हमारे किस तरह से जीएसटी जो है एग्जिस्टेंस में आया। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर जीएसटी, यानी जीएसटी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट फर्दर किए गए। इन 2016 वाज एनेक्टेड ऑन 8 सितंबर 2016 फॉर द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स। फर्स्ट क्या था इसमें? कंकरेंट या साइमल्टेनियसली पावर ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या कहा गया है कि जीएसटी जो है ये हमारा किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है। जीएसटी के आने से पहले गुड्स पे हम लगाते थे सेल्स टैक्स या फिर एक्साइज लगता था, और सर्विस पे हम यूज करते थे सर्विस टैक्स। पर जीएसटी के आने के बाद से ये दोनों सारे टैक्सेस जीएसटी में ही मर्ज हो चुके हैं, और अब इन टैक्सेस को लगाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल और स्टेट दोनों की है, दोनों को ही इक्वल पावर दी गई है इन टैक्सेस को लगाने की और उनको कलेक्ट करने की। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं जीएसटी विल बी लेवल ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसमें क्या कहा गया है? ये जो हमारा जीएसटी है ये सारे लगभग सभी सप्लाईज पे लगता है। इट मींस सप्लाई मींस गुड्स और सर्विसेज की, सारे गुड्स पे और सारी सर्विसेज पे जिनकी हम सप्लाई कर रहे हैं, जिन्हें सेल कर रहे हैं, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी वो लिकर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करी जाती है अल्कोहल, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। पर अगर उसी लिकर या उसी अल्कोहल को यूज करते हुए हम फर्दर और कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उस पे क्या होता है? हमारा जीएसटी लगता है। जैसे इस समय कोविड के टाइम में हम सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं? सैनिटाइजर्स का। इन सैनिटाइजर्स में क्या होता है? अल्कोहल होता है। तो इस अल्कोहल को यूज करते हुए हमने सैनिटाइजर एक प्रोडक्ट बनाया तो इस पे क्या होगा? जीएसटी लगेगा। पर वही अल्कोहल या लिकर जब हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं तो उस पे किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपने इसी अमेंडमेंट में थर्ड पॉइंट पे। पार्लियामेंट है एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इट मींस जब भी हम इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास सारी पावर्स हैं उन गुड्स पे अपने टैक्सेस लगाने की।
नेक्स्ट है उसके बाद पार्लियामेंट शैल डिसाइड प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन सप्लाई टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर हम यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं इंटर स्टेट, दो चीजें होती हैं इंटर स्टेट एंड इंट्रास्टेट। इंटर स्टेट क्या हो गया, सेम वही चीज जब हम दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर सेल कर रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं तो उस क्या कहलाता है इंटर स्टेट, और इस पे हम क्या लगाते हैं IGST लगता है। और जब हम विद इन अ स्टेट के बारे में बात करते हैं तो उस पे हम क्या लगाते हैं SGST। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बात होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी और कितनी चीज को हम सप्लाई मानेंगे उसके रिगार्डिंग जो भी प्रिंसिपल्स हैं रूल्स हैं उन्हें डिसाइड करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 269A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provide that the import of goods and services will be deemed as a supply take place in the course of interstate trade and commerce. It means उसके बाद कहा गया कि जो भी हम deemed supply मानेंगे, जो it means ऐसे supply जो exactly नहीं है पर हम उसे supply मानते हुए उस पर अगर हम taxes लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी goods and services है जिसे हम बाहर से import कर रहे हैं, it means दूसरी country से import कर रहे हैं तो उन्हें भी हम क्या मानेंगे एक तरह से इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए उस पर भी GST चार्ज करेंगे। जीएसटी के साथ साथ इंपोर्ट पे और क्या लगता है कस्टम ड्यूटी। इट मींस कस्टम ड्यूटी एज इट इज जैसे पहले लगती थी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जब हमारा था जब जीएसटी नहीं आया था उसे हम आज भी उसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जब भी हम किसी बाहर की कंट्री से कोई भी गुड्स इम्पोर्ट करके लाते हैं तो उस पर उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए IGST भी लगाते हैं प्लस कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाती है, इट मींस दोनों चार्ज किया जाता है। For the following items, central excise duty will be imposed on their production and respective state will impose sales tax on their sales. It means यहाँ पे बोला गया जिस तरह से कि alcoholic liquor for human consumption को हमने GST के दायरे से बाहर रखा हुआ है और उस पर GST नहीं लगा रहे हैं उसी तरह कुछ यहाँ पे ऐसे products हैं जिन पे हमारा क्या होता है GST नहीं लगता है पर उन पे क्या लग रहा होता है central की excise duty एज वेल एज जब वो गुड्स जो हैं अगर सेम स्टेट में सेल करे जाते हैं तो उन पे उन रिस्पेक्टिव स्टेट्स का वैट लगाया जाता है। ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं पेट्रोल, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हमारा पेट्रोल है उस पर GST नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि उस पर जब हम सेल करा जाता है विद इन अ स्टेट तो उस पर क्या लगाया जाता है यूपी स्टेट वैट या जो इस भी स्टेट का होगा उस स्टेट का वैट लगाया जाएगा। इसके साथ साथ उसपे एक और चीज लगती है जो सेंट्रल की होती है दैट इज कॉल्ड अस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस, लास्ट है हमारा यहाँ पे एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हम क्या करते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टू रिकमेंड अमाउंट GST रेट वैल्यूएशन एंड अदर फंडामेंटल रूल्स एग्जेम्पशंस फ्यूचर चेंजेस रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिन पे डिसीजन लेने के लिए जो पावर है वो प्रेसिडेंट की तरफ से एक काउंसिल बनाई गई इन द एक्ट्स पर द आर्टिकल 279A, जिस काउंसिल का जो हेड होता है वो कौन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और इस GST काउंसिल को ही पावर दी गई है कि वो GST में कौन सा नया रेट लेके आना है, किस रेट को मॉडिफाई करना है, कौन से वैल्यूएशन रूल्स से फंडामेंटल रूल्स में चेंजेस करने हैं, क्या एग्जेम्पशंस देनी है, फ्यूचर में क्या चेंजेस होने हैं, किस तरह से GST का रिटर्न फिल करा जाएगा और कैसे हम उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करने की जो पावर होती है वो GST काउंसिल के पास होती है। नेक्स्ट आगे अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के बारे में।
लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में क्या बोला गया है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 फॉर इम्पोजिंग सीजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पॉइंट में कहा गया है कि जब भी हम विद इन अ स्टेट सेल करेंगे तो उस सेल पर हमारा सीजीएसटी लगेगा एज पर द टैक्स सीजीएसटी टैक्स एक्ट 2017 एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 फॉर इम्पोजिंग एसजीएसटी बाय रिस्पेक्टिव स्टेट ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब भी हम विद इन अ स्टेट किसी भी चीज की सेल करेंगे सप्लाई करेंगे चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज करा जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जिसकी भी सप्लाई होगी विद इन अ स्टेट अगर होती है तो उस पर हम ड्यूअल जीएसटी बेस्ड मॉडल होने की वजह से दो टैक्सेस इम्पोज करते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल अगर सप्लाई पे जो हमारा जीएसटी रेट है अगर 18% है तो 9% हो जाएगा सीजीएसटी और 9% हो जाएगा एसजीएसटी। ये कब होगा जब हम विद इन अ स्टेट सेल करेंगे। इसके अलावा अगर हम यूनियन टेरिटरीज में सेल कर रहे हैं इट मींस यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 फॉर लेविंग यूटीजीएसटी इन 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स और इंट्रा टेरिटरी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी कंट्री में कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जस्ट लाइक अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप दादर नागर हवेली दमन दीव एंड चंडीगढ़। इन सिचुएशंस में क्या होता है इन लोगों को ये अलाउ करा गया है कि अपने स्टेट लेजिस्लेचर को ना यूज करते हुए इट मींस इन पे हम एसजीएसटी इम्पोज नहीं करते हैं। इन सारी यूनियन टेरिटरीज पे क्या इम्पोज करा जाता है यूटीजीएसटी एज पर द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। नेक्स्ट आगे इसमें बात करते हैं द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 फॉर लेविंग आईजीएसटी। इट मींस अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करा है कि जब हम विद इन अ स्टेट करेंगे तो एसजीएसटी और सीजीएसटी पर जब हम अलग अलग स्टेट में सेल कर रहे हैं इट मींस दो अलग इंटर स्टेट सेल्स हो रही है सप्लाई हो रही है तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं आईजीएसटी को यूज करा जाता है। इसके साथ ही जीएसटी में कुछ कंपनसेशन सेस भी हैं जिन्हें हम एज पर द रिक्वायरमेंट उन्हें लगाया जाता है। तो ये आज हम लोगों ने बेसिकली किसके बारे में बात करी कि किस तरह से हमारा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आया क्या क्या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स थे किन चीजों पे जीएसटी अप्लाई होता है। इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास इसके हम इसके आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम अपने जीएसटी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द क्लास।